कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदले गए। उन्हें कहा महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, वही गुरबद वही हाफिज वही हाकिम वही कातिल, न जाने कितने वर्षों में हमारा हाल बदलेगा। आजादी के 74-75 साल के बाद भी आज वो हालात बने हुए हैं कि जिस देश में एक दिन में 99-93 बलात्कार होते रहते। मैं ये बातें आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रही हूँ, ये जो पर्चा है, इस पर्चे में आपके चार सब्जेक्ट दिए गए हैं, चार विषय दिए गए हैं। मैं उस विषय को बड़ी आसानी के साथ कम समय में रखने का प्रयास करना चाहती हूँ। साथियों, ये जो हम लोगों को सामाजिक स्तर पे न्याय व्यवस्था निर्माण करनी है, अगर उस बात को जानना और समझना है तो भारत की आधी आबादी को बिना साथ लेकर के आप कोई आजादी का आंदोलन नहीं चला सकते। आप कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। ये महिलाएं हैं, ये देश की सृष्टि करता है, ये समाज की सृष्टि करता है, ये जननायिका है, ये महानायिका है, इससे सृष्टि का निर्माण होता है। अगर आप चाहे बिना इनको लेके आप सफल हो जाए तो किसी कीमत पे होने वाले नहीं है। कैयाल लल यादव जी कहते हैं, आजादी का मतलब समझाते हैं, आजादी का मतलब बताते हैं, आपके घर की जवान बेटी रात में 12 बजे अगर 2 किलोमीटर पैदल चली जाए और सुरक्षित वापस घर लौट के आए तो इसको आजादी कहते हैं। आज है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं है? आज जिस वीरांगना का हम शहादत दिवस मना रहे हैं, जिस महानायिका का हम शहादत दिवस मना रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई। मैं उन बातों को बता के आपका समय और अपना समय जाया नहीं करना चाहती। जो टॉपिक छूटा है, मैं उसी पे आपको अपनी बात बताने का प्रयास करूँ। सबसे पहली बात, जिस महानायिका को, जिस वीरांगना की शहादत में हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो वीरांगना को अगर किसी ने सामाजिक स्तर पर कैडर और ट्रेनिंग दिया, समाज के कारवा को आगे ले जाने का ज्ञान दिया, इस देश में हमारे लोगों को पढ़ाया जाता है, हमारे छोटे बच्चों से लेकर के पीजी और पीएचडी तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस देश का इतिहास हिंदू मुसलमान के झगड़ों का इतिहास रहा है, ये बात आपको जानना और समझना होगा। इस देश का इतिहास हिंदू मुसलमान के झगड़ों का इतिहास नहीं रहा है, बल्कि इस देश का इतिहास 85/15 का रहा हुआ। यानी इस देश में अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए क्या जाति व्यवस्था मुस्लिम ने बनाई, क्या महिलाओं को गुलाम मुस्लिम ने बनाया, क्या महिलाओं की दास्ता महिलाओं मुस्लिम ने लिखी, क्या आदिवासियों का सेग्रीगेशन मुस्लिम ने लिखा, क्या जाति की करने का समानता मुस्लिमों के अंदर नहीं की, तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनको सही जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों, वीरांगना फूलन देवी जी को अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले कैडर और ट्रेनिंग दी, एक मुस्लिम समाज के थे, उनका नाम था बाबा मुस्तकीम। अगर आप लोग मंच खाली करेंगे और बैठने का प्रयास करेंगे तो मैं मेरी बात को रखने के लिए अग्रसर हूँ, वरना अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बात को बंद कर दूँ। आपकी अनुमति का इंतजार करती हूँ 1 सेकंड तक। अगर आपकी अनुमति है तो मैं बात को रखती हूँ, वरना बात को खत्म कर देती हूँ। धन्यवाद आप सभी साथियों कि आपने ये अनुमति स्वतः से दी। साथियों, जिस जेल में वीरांगना फूलन देवी जी को रखा गया था, उस जेल की एक बहुत बड़ी घटना जो आप तक अभी नहीं पहुंची है, वो घटना आपको बता दें। वीरांगना फूलन देवी जी की बिना अनुमति के उनका यूट्रस निकाल दिया गया, जिसको गर्भाशय बोलते हैं, उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। और कारण क्या बताया गया, उसका कारण क्या हो सकता है आपको समझना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि ताकि दोबारा कोई वीरांगना फूलन देवी पैदा ना हो। उसका कारण यह है, उनका यूट्रस इसलिए निकाला गया, उनका गर्भाशय इसलिए निकाला गया ताकि दोबारा कोई वीरांगना फूलन पैदा ना हो। आपको बताना चाहते हैं, एक तो वो लोग चाहते हैं कोई फूलन देवी पैदा ना हो, और आप लोग भी चाहते हैं वीरांगना फूलन देवी पैदा होनी चाहिए हमारे घर में, नहीं बाजू वाले के घर में। करते नहीं यही का? हम चाहते हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले पैदा होनी चाहिए हमारे घर में, नहीं बाजू वाले के घर में। हम चाहते हैं भगत सिंह, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियाल ललित यादव, कांसीराम साहब, ये सभी पैदा होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं बाजू वाले के घर में, क्योंकि हमारे लोग न्याय चाहते हैं और मुफ्त में।
आजादी चाहते हैं मुफ्त में मिलने वाली नहीं है। अगर आपको ये सब करना है तो आपको चैरिटी बिगिंस एट होम, परिवर्तन घर से शुरू करना पड़ेगा। मौसर तुमने कहा यू कैन मेक फूल समबडी फॉर सम टाइम, उन्हें कहा यू कैन मेक फूल समबडी फॉर सम टाइम, आप कुछ लोग को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं। फिर कहा यू कैन मेक फूल एवरीबॉडी फॉर एवरी टाइम, आप सभी लोग को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं। फिर कहा बट लेकिन यू कैन नॉट मेक फूल एवरीबॉडी फॉर एवरी टाइम, आप सभी लोग को हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते, अभी वो समय गया आप मूर्ख बनते थे। क्योंकि साथियों अभी सामाजिक चेतना तो जगी है, वो कैसे जगी है वो बातें बताने का प्रयास करती। आज के सब्जेक्ट पे अपनी बात को रखने के लिए मैं इस मंच पे आई हूँ और आपसे उसी सब्जेक्ट पे बात करूंगी जो आपके लायक है। इस देश में जिन ओबीसी के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को ये कहा गया ये ओबीसी केवल जागता हुआ शेर है, सॉरी सोता हुआ शेर है, जागने की देर है, लेकिन ओबीसी क्या करता है, जगता तो है दोबारा फिर सो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना पहलू समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? सबसे बड़ी जो बात है वो होती है साथियों, एक होती है काली बाय, एक होती है काली संगत। काली बाय और काली संगत आपको समझाने का प्रयास करती। ये मेरे पास पेन है, जब तक इस पेन के अंदर स्याही है तब तक ये काली संगत है, जब ये पेन की स्याही खत्म हो गई ये काली बाय हो गई, ये किसी चीज किसी काम की नहीं। वैसे वर्तमान में जो है, जो हमारे अंदर सामाजिक शिक्षा की बात आती है, सामाजिक चेतना की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है, वो हमारे लोगों के बीच में समझ में नहीं आती है, हमारे लोगों के बीच में जागृति नहीं की जाती है। देश में क्या था, केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामा पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट को 23 सितंबर बेसिक केस के मसले पे, केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामा पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि इस बार ओबीसी की हम गिनती नहीं कराएंगे, बैकवर्ड की गिनती नहीं कराएंगे। साथियों बैकवर्ड की गिनती नहीं कराएंगे और गिनती ना करने से कितना बड़ा नुकसान होता है वो बातें आपको समझाने का प्रयास करती हूं। हमारे घर में अगर 4 सदस्य हैं और अगर हमने 4 सदस्य का खाना एक बल्टी में नहीं बनाया और एक सदस्य को खाना नहीं दिया तो इससे क्या होगा, घर में बहुत बड़ी कला होगी और बड़ी बहुत बड़ी कला होने के बाद वो परिवार टूट सकता है। तो वर्तमान में भी वही काम किया जा रहा है, जो ओबीसी की गिनती नहीं कराई जा रही है। इस देश में क्या होता है, इस देश में नदियों की गिनती होती है, इस देश में तालाबों की गिनती होती है, यहां तक कि इस देश में कितने जानवर है उसकी गिनती होती है, यहां तक कि थर्ड जेंडर जो है जिसको हम हिजड़ा कहते हैं उनकी भी गिनती होती है, लेकिन इस देश में पिछड़ों की गिनती नहीं होती। और पिछड़ों की गिनती नहीं होने के साथ साथ उनके सारे अधिकार कैसे खत्म किए जाते हैं, आजादी का जो 75 साल बीत रहा है, संविधान लागू हुए 70 साल हो गए, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बल्कि संवैधानिक अधिकार खत्म करने के लिए 187 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है और आपके बीच में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात आपको समझाने का प्रयास करती। साथियों जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, अगर कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती है। आज हमारे सामने जो गरीबी बेरोजगारी भुखमरी रेप बलात्कार आतंकवाद निर्माण हुआ है ये परिणाम है, ये कोई कारण नहीं है। इसलिए करना वो परिणाम है क्योंकि हमें हमारा इतिहास नहीं पता है। वर्तमान की सरकार ऐसी है जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। जानते हैं क्या करती है, मीठी मीठी बातें करती है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती है कि हमारे लोग को डायबिटीज हो जाए, इतनी अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करती है कि हमारे लोग को डायबिटीज का शिकार होना पड़ता। इतना ही नहीं 2011 में जो केंद्र सरकार के में यूपीए के द्वारा उन लोगों ने जो
गिनती की हुई थी जिसमें सोशल इकोनॉमिक सर्च किया हुआ था, उसमें साथियों 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने 2021 में कहा वो जो पैसे खर्च हुए थे, जो टाइम वेस्ट हुआ था, वो अनएथिकल था, वो अनरिस्पेक्टेड था, वो अनलेबल था, उसका कोई मान नहीं रखेंगे, दूसरा करेंगे नहीं और पहला लागू नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है साथियों कि पहला तो उन्होंने क्या कहा, हम आगे सोचेंगे। आगे कब सोचोगे, आपको जो अपना घर बनाना होता है तो क्या एक तरफ से घर गिरा देते हैं? पहले ये ध्यान रखते हैं आखिर हम अपने बरसात में अपने छत के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर ले, फिर घर को बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही सरकारों ने क्या किया, ओबीसी का सत्यानाश किया। बहुत सारे कारनामे ओबीसी के साथ किए गए, लेकिन कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करती हूँ साथियों। स्वामी जी महाराज 1902 में जिन ओबीसी के लोगों को 50% का रिजर्वेशन